अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फैज़ा वसीम एंड वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज मैं आप लोग के साथ कुछ बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर शेयर करने वाली हूँ, जिनको यूज़ करके आप लोग इजीली अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि एक्चुअली में स्क्रीन रिकॉर्डर है क्या और इसकी नीड हमें कब और क्यों पड़ती है। स्क्रीन रिकॉर्डर हम लोग मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई ट्यूटोरियल बना रहे हों, या जब हम लोग को कोई ऐसी ज़रूरत पड़े कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जिसकी जिसमें आप लोग को अपनी स्क्रीन को, कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, या अगर आप लोग कोई गेम को रिकॉर्ड करना चाहते हो, मीन्स आप लोग गेम खेलते हुए आप ये चाह रहे हो कि आप लोग अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लो, तो उसके लिए सब जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास वो स्क्रीन रिकॉर्डर की होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि हम कौन से स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डर्स को शेयर करूँगी, तो आप लोग उनको यूज़ करके अच्छा सा एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर है वो है BSR स्क्रीन रिकॉर्डर। BSR स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत अच्छा और बहुत सिंपल रिकॉर्डर है, जिसके थ्रू आप लोग इजीली अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने भी काफ़ी टाइम यूज़ किया है, तो मैं आप लोग को इसका इंटरफेस दिखा देती हूँ कि किस टाइप से नज़र आता है जब आप लोग इसको। अच्छा, इसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि जब आप लोग इसको डाउनलोड करोगे तो आप लोग को जस्ट इसका 1 मंथ का फ्री ट्रायल वर्जन मिलेगा। जब आप लोग का 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग को उसको जो है वो बाय करना पड़ेगा। अगर आप लोग बाय नहीं करना चाहते, तो मैंने क्या किया था, जब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया था तो मैंने उसको अनइंस्टॉल करके और दोबारा से इंस्टॉल कर लिया। तो आप लोग भी चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर बाय कर लो तो अच्छा है, वरना बहुत सारे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर्स भी हैं जो आप लोग को फ्री मिल जाएंगे। मैं अभी आप लोग के साथ वो भी डिस्कस करूँगी, आप लोग देख लेना, फिर जो आप लोग को सूटेबल लगे आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। तो जब आप लोग इसको इंस्टॉल करके जब इसको ओपन करोगे तो उसका इंटरफेस आप लोग को कुछ इस तरह से नज़र आएगा, राइट। अब यहाँ से मैं कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल इंटरफेस है, आप लोग चाहो तो ख़ुद भी इजीली लर्न कर सकते हो, बट मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ से इस ऑप्शन पे के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग फुल स्क्रीन मीन्स ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आप लोग अपनी स्क्रीन का कितना परसेंट एरिया रिकॉर्ड करना चाहते हो। अगर आप लोग यहाँ से फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों कंप्लीट स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग रीजन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग की कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई पर्टिकुलर रीजन जो आप लोग सिलेक्ट करोगे वो एरिया रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा यहाँ पे विंडो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कोई पर्टिकुलर विंडो को जो है वो रिकॉर्ड करो, तो यहाँ से आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग सबको देखकर उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद हम अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑडियो अपने रिकॉर्ड करो, तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद अगर ये वाला बटन आप लोग रेड कलर का देख रहे हो, इसके थ्रू आप लोगों की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा यहाँ से आप लोग इसको पॉज कर सकते हो और यहाँ से आप लोग इसको स्टॉप कर सकते हो। जब आप लोग अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लोगे तो यहाँ से प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको प्ले भी कर सकते हो, राइट। अब मैं आप लोग को एक ही मीन्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, बस जो ऊपर ऊपर से बेसिक ऑपरेशन से बता रही थी। जब आप लोग अभी सेटिंग्स पर जाओगे, मैंने अभी सेटिंग्स के बटन पे क्लिक किया था, तो सेटिंग्स के बटन के ऊपर आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आप लोग डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हो। मीन्स अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग की जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर टाइम और डेट भी शो हो, तो यहाँ से आप लोग इसके ऊपर चेक कर सकते हो। या अगर आप लोग चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल कोई वाटर मार्क ऐड करना अपनी वीडियो के अंदर, तो यहाँ से आप लोग वाटर मार्क की सेटिंग कर सकते हो, राइट। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की ऑडियो मीन्स आप लोग ऑडियो की सेटिंग यहाँ से इस ऑप्शन पर आके कर सकते हो, अपनी ऑडियो को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक। यहाँ से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि आप लोग किस तरह से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करवाओगे, थ्रू माइक, थ्रू माइक्रोफोन्स या डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, आप लोग यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप लोग ये सब देख सकते हो जी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अब आप शॉर्टकट कीज होती है ना, कि आप लोग चाह रहे हो कि अगर मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करूँ, F6 प्रेस करूँ तो आप लोग की स्क्रीन स्टार्ट हो जाए रिकॉर्ड होना, या अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्टॉप करूँ, मैंने जो है वो पेज डाउन का बटन सेलेक्ट किया हुआ है, आप लोग चाहो तो यहाँ से एडिट पे जाके कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका बेसिक इंटरफेस है।
कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप लोग जब यूज़ करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इसका, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन यही है कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, राइट। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्क्रीन रिकॉर्डर आता है वो है हमारे पास कैम स्टूडियो। कैम स्टूडियो स्क्रीन रिकॉर्डर भी बहुत अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसके जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। मीन्स इसके राइट बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना, सॉरी आप लोग इसके राइट बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा पॉज, स्टॉप, वही सारे ऑपरेशन है जो अभी मैं आप लोगों को भी ऐसा आर्म में दिखा कर आई हूँ। इसके अलावा जो इसमें हमारे पास प्लस पॉइंट हमें मिलता है वो ये है कि जब आप लोग अपनी वीडियो को इसमें सेव करोगे तो आप लोग अपनी मर्जी का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग अपनी वीडियो AVI, MP4, फ्लैश जिस फॉर्मेट में भी सेव करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप लोग को ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप लोग अपने माउस की हाइलाइट्स की सेटिंग कर सकते हो, या आप लोग कोई पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट करना चाहते हो, मीन्स फुल स्क्रीन को आपको रिकॉर्ड करना है या कोई पर्टिकुलर रीजन या कोई पर्टिकुलर विंडो, तो यहाँ से वो सारी सेटिंग्स भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका हमारे पास मेजर एडवांटेज है जो हमें मिलता है वो ये है कि इसके थ्रू आप लोग अपना कोडेक की सेटिंग भी कर सकते हो। अब कोडेक क्या होता है? कोडेक में आप लोग ये बताते हो अपने अपनी क्या बोलना चाहिए मुझे अपने अपने सॉफ्टवेयर को ये बताते हो कि आप लोग की क्वालिटी किस तरह की होगी, आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी किस तरह रखना चाहते हो और उसका साइज कितना रखना चाहते हो, तो ये सेटिंग्स भी आप लोग मैन्युअली यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो मीन्स मैं इन सभी स्क्रीन रिकॉर्डर्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से उनके ऊपर क्लिक करके वहाँ से उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आता है वो है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसका जो हमें प्लस पॉइंट, हमारे पास जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि आप लोग इसमें अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ अपने गेम्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मीन्स जो आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो अपने गेम्स की रिकॉर्डिंग जो है वो शो करवाते हैं, अपने चैनल्स पे पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई इस टाइप का चैनल है तो आप लोगों के लिए इस टाइप का ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग इसके थ्रू अपने वीडियो को या अपने गेम्स को रिकॉर्ड करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन इनकोडर फॉर स्क्रीन। इसमें भी आप लोग को प्लस पॉइंट यही मिलता है कि आप लोग अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ अपने गेम्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो और इसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही सिंपल है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो विंडो है बस यही इसका स्क्रीन रिकॉर्डर है। यहाँ से इसके बटन पे क्लिक करके आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ से माइक की मीन्स अपने माइक्रोफोन की सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे जो है वो वेबकैम भी साथ में यूज़ कर सकते हो। आप लोग चाह रहे हो कि वीडियो में आप लोग वेबकैम भी यूज़ करो अपनी, तो यहाँ से वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मेजर सेटिंग्स कर सकते हो इस बटन पर क्लिक करके, राइट। इसके अलावा इसमें जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि आप लोगों की जो वीडियो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स की हो सकती है। मीन्स 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग अपनी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और जो सेकंड लिमिटेशन हम लोग को जो इसकी मिलती है वो ये है कि आप लोग की वीडियो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, अब वो पहले इनकोडर के पास जाएगी और इनकोडर उसको अब इनकोडर के पास जाने के बाद आप लोग उसमें डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हो, उसमें डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हो और एडिटिंग करने के बाद आप लोग को उसको इनकोड करना पड़ेगा। तो इनकोड कर देने के बाद वो आप लोग के MP4 की फॉर्मेट में आ जाएगी, राइट। और इसी तरह से हमारे पास कुछ अदर स्क्रीन रिकॉर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो इनको भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो आप लोगों ने कैमटेशिया का नाम भी सुना होगा। कैमटेशिया डिफरेंट जो यूजर्स हैं यूट्यूब के वो काफ़ी कैमटेशिया यूज़ करते हैं, बट मैं इसको यूज़ नहीं करती बिकॉज मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। तो अब थैंक यू, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।